ऑनलाइन साइंस क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मेंडल की वंशागति के प्रथम नियम प्रभाविता का नियम द्वितीय नियम जिसे पृथक्करण का नियम संयोजन का नियम और तीसरा इसका नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम तक पढ़ लिया था। यहाँ हमने जीव प्रारूप और लक्षण प्रारूप अनुपात भी निकाल लिया था पृथक्करण के नियम के तक आ गए थे हम। अब इसके बाद है आपका, इसी में एक टॉपिक है संकर पूर्वज संकरण। हालांकि हम इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने जेनेटिक्स की शब्दावली पढ़ी थी तो शब्दावली में कुछ डेफिनेशंस हमने पढ़ी, वहाँ मैंने संकर पूर्वज संकरण के बारे में आपको समझाया था, लेकिन वह एक डेफिनेशन के रूप में ही, एक परिभाषा के रूप में ही मैंने आपको उसे समझाया, लेकिन यहाँ हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे और इसके दोनों प्रकारों पर अच्छे से प्रकाश डालेंगे। तो आप ध्यान दें, हेडिंग है हमारा, नया जो टॉपिक है वो है संकर पूर्वज संकरण। प्रिय विद्यार्थियों, हम ने देखा कि मेंडल ने एकल संकर संकरण के अंतर्गत कैपिटल डी यानी समयुग्मजी लंबे ध्यान दें आप, समयुग्मजी लंबे कैपिटल डी और इसके विपरीत यानी विपर्यासी लक्षण वाला पौधा जिसे हम समयुग्मजी बोने स्मॉल टी के मध्य संकरण करवाया। कैपिटल डी और स्मॉल टी के द्वारा जो संकरण से प्राप्त संतति प्राप्त होती है कैपिटल डी स्मॉल टी, ये कहलाएगा विषम युग्मजी, इसे F1 पीढ़ी कहते हैं। क्या कहेंगे? F1 पीढ़ी। अब आप ध्यान दें, विषम युग्मजी लंबे ये कहलाते हैं विषमयुग्मजी लंबे। देखिए बच्चों, समयुग्मजी लंबे और विषमयुग्मजी बोने पौधों के मध्य जब संकरण करवाया जाता है तो इनके संकरण से F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति विषमयुग्मजी लंबे के नाम से जानी जाती है। अब F1 पीढ़ी की ये वाली जो संतति है, इसका अपने ही जनकों के साथ, अब इसमें इसके जनक कौन कौन है, एक तो ये कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दो जनक ही तो है, इन दोनों के साथ ये संकरण करता है। इनके आधार पर इसे दो भागों में बांटा है। पहले तो आप यहां समझें परिभाषा, हम संकर पूर्व संकरण के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, ये F1 पीढ़ी के पादप ही तो हुए हैं कैपिटल डी स्मॉल डी, जिसे विषमयुग्मजी लंबा कहते हैं, F1 पीढ़ी की संतति या F1 पीढ़ी के पादप का संकरण अपने ही पूर्वजों, कौन कौन है इसके पूर्वज? कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये तो पूर्वज है जिनके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया? संकर पूर्वज। अपने ही पूर्वजों के साथ क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, संकरण करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया संकर पूर्वज संकरण। क्या नाम पड़ गया? संकर पूर्वज संकरण। तो F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण यदि अपने ही जनक में से, कौन कौन से हैं दोनों जनक? कैपिटल डी और स्मॉल डी से रहेंगे प्रभावी जनक, उसे कहेंगे अप्रभावी जनक, ये तो कहलाएगा अप्रभावी जनक, क्योंकि ये लक्षण तो अप्रभावी होता है, तो ये तो कहलाएगा अप्रभावी जनक। ये क्या कहलाएगा? प्रभावी जनक। क्या कहलाएगा? प्रभावी जनक, क्योंकि यह है F1 पीढ़ी में खुद को दिखाता है, अभिव्यक्त करता है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रभावी जनक। तो F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण अपने ही जनकों में से प्रभावी जनक अथवा
कराने पर या कराने का यह संक्रमण क्या कहलाएगा? संकर पूर्वज संक्रमण कहलाता है। अब ये दो प्रकार का है, एक तो कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा बाह्य संक्रमण। क्या हो जाएगा? बाह्य संक्रमण। बाह्य संक्रमण में क्या होता है? एल1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो प्राप्त हुआ आपको एल1 पीढ़ी में। एल1 पीढ़ी का क्रॉस हम किसके साथ करवाएं? एल1 पीढ़ी का संक्रमण यदि प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ करवा दें, ये प्रभावी जनक है, तो ऐसा संक्रमण बाह्य संक्रमण कहलाएगा। उन्हें ध्यान दें, क्या कह रहे हैं हम? यदि कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है? एल1 पीढ़ी की संतति है। कहाँ की है? एल1 पीढ़ी की संतति, कैपिटल टी स्मॉल। इसका संक्रमण किससे करवाया जा रहा है? प्रभावी जनक के साथ। तो प्रभावी जनक के साथ जो संक्रमण होता है तो ये क्या कहलाएगा? बाह्य संक्रमण। लेकिन यदि कैपिटल टी स्मॉल टी को क्या कहते हैं? एल1 पीढ़ी के बाद अब इसका संक्रमण कैपिटल टी के साथ ना होकर किसके साथ हो? स्मॉल टी, क्योंकि दूसरा जो जनक है वो कौन सा है? अप्रभावी जनक, जो क्या है? कैपिटल स्मॉल टी अप्रभावी जनक कहलाता है। यदि अप्रभावी के साथ है तो ये क्या कहलाएगा? परीक्षण संक्रमण। क्या कहलाएगा? परीक्षण संक्रमण। इस आधार पर ये संक्रमण दो प्रकार का हो गया, बाह्य संक्रमण और परीक्षण संक्रमण। यदि F1 पीढ़ी की संतति का क्रॉस या संक्रमण प्रभावी जनक से होता है तो कहलाएगा बाह्य संक्रमण। लेकिन यदि इसके साथ हो, अप्रभावी जनक के साथ उसका क्रॉस होता हो, संक्रमण करवाया जाता हो, तो क्या कहलाएगा? परीक्षण संक्रमण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परीक्षण संक्रमण। अब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। पहले आप संकर पूर्व संकरण के बारे में लिखेंगे, फिर इसके प्रकार विस्तार से समझना है हमें एक एक करके। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा करके इसमें से प्रश्न पुटअप हो जाता है, पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान दें। लिखें, यदि F1 पीढ़ी के पादप का संकरण यदि F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी के पादप का संकरण दोनों जनकों में से F1 पीढ़ी के पादप का संकरण दोनों जनकों कैपिटल टी एवं स्मॉल टी में से दोनों जनकों में से एक के साथ होता है, दोनों जनकों कैपिटल टी एवं स्मॉल टी में से एक के साथ होता है तो इसे होता है तो यह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। तो यह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है, संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी में से एक के साथ होता है तो यह संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। अब आप यहां लिखेंगे, इसके दो प्रकार होते हैं दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, अभी मैंने आपको समझाया, बाह्य संक्रमण और परीक्षण।
परीक्षण संकरण। नंबर एक में लिखेंगे आप बाह्य संकरण, बाह्य संकरण। नंबर दो परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण। ये दो प्रकारों में से बटा हुआ है, ये दो प्रकार का होता है बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। ठीक है, अब हम एक एक करके इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और इन्हें समझेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एक नंबर डालकर बाह्य संकरण, इसको विस्तार से समझना है आपको, इसमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का भी आपको निर्धारण करना है। एक पीढ़ी की संतति का क्रॉस जब प्रभावी जनक के साथ होता है, एक पीढ़ी की संतति का क्रॉस जब प्रभावी जनक के साथ होगा तो क्या कहलाएगा, बाह्य संकरण। तो अब आप नंबर एक डाल लो और इसको विस्तार से समझना है आपको, इसको बाह्य संकरण नंबर एक डाल के बाह्य संकरण। अभी मैंने आपको बताया सीक्रेटी से समझे आप, आपको एवन पीढ़ी प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका जो प्रभावी जनक है वो है कैपिटल टी कैपिटल टी। इन दोनों के मध्य क्रॉस होगा, इन दोनों के मध्य जब क्रॉस होता है तो दोनों के क्रॉस से जो नई संतति आपको प्राप्त होगी उसे कहते हैं बाह्य संकरण। मतलब दोनों के मध्य क्रॉस होने पर एवन पीढ़ी की संतति और प्रभावी जनक के मध्य जब संकरण होता है तो ऐसा संकरण बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले तो आप इसे मैं ये बना देता हूं, फिर परिभाषा लिख लेंगे। चलो तो पहले परिभाषा लिख लो, ज्यादा ठीक रहेगा, पहले परिभाषा लिख लें। लिखें आप इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में, इस प्रकार के संकरण में एफ वन पीढ़ी के पादप, एफ वन पीढ़ी के पादप कोष्ठक लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण, एफ वन पीढ़ी के पादप, एफ वन पीढ़ी का क्या प्राप्त हुआ था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण प्रभावी जनक, प्रभावी जनक, प्रभावी जनक के कोष्ठक में कैपिटल टी प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ, प्रभावी जनक कैपिटल टी के साथ करवाया जाता है, के साथ करवाया जाता है, जो बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है, जो बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है, जो बाह्य संकरण के नाम से जाना जाता है। अब आप इसे एक समझाना है उदाहरण के द्वारा, तो यहां लिखेंगे आप ये बता देता हूं प्रोसेस का। विषम युगम जी
लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एफ वन पीढ़ी है, एफ वन पीढ़ी की संपत्ति है। यहां आपको लिखना है समयुगुंजी, समयुगुंजी लंबे कैपिटल टी, कैपिटल टी ये प्रभावी जनक होता है, प्रभावी जनक। इनके मध्य युग्मकों का निर्माण होता है। ये युग्मक हो गया, ऐसे ही यहां कैपिटल टी, कैपिटल टी में भी युग्मकों का निर्माण होगा। ये बनाएगा कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी, ये युग्मक बन जाते हैं। इनके मतलब क्रॉस होता है, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों को क्या हो जाते हैं, समयुगुंजी लंबे, समयुगुंजी लंबे। ये भी लंबे हैं लेकिन कैसे हैं, विषमयुगुंजी लंबे, विषमयुगुंजी विषमयुगुंजी लंबे। इनके मध्य अर्धसूत्रण हुआ। अब देखिए आप यहां एफ वन पीढ़ी की संतति है कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसे हमने क्या नाम दिया, विषमयुगुंजी लंबे। इसका क्रॉस समयुगुंजी लंबे प्रभावी जनक के साथ करवाया, तो जो नई संपत्ति प्राप्त होगी उसमें 50% तो समयुगुंजी लंबे और 50% विषमयुगुंजी लंबे, जबकि 100% के 100% क्या है, ये लंबे चार क्या कहलाएंगे, लंबे, यानी 100% लंबे पौधे प्राप्त हो गए, जिनमें 50% तो क्या हो गए समयुगुंजी लंबे और 50% क्या हो गए, मतलब आधे आधे हो गए ना, चार में से आधे तो क्या हो गए समयुगुंजी और आधे क्या हो गए विषमयुगुंजी, तो 50% समयुगुंजी लंबे और 50% विषमयुगुंजी लंबे। लक्षण प्रारूप अनुपात की अगर मैं बात करूं तो लक्षण में क्या हो जाएगा 100% लंबे, और मैं जीन प्रारूप अनुपात की बात करूं तो 50% विषमयुगुंजी और 50% समयुगुंजी, अर्थात एक अनुपात एक आ जाएगा भाई, ये तो और दो फैलाओगे आगे क्या हो जाएगा, वो एक अनुपात एक आ जाएगा। नहीं आएगा क्या, देखो आप नीचे लिखेंगे, इसमें यहां लिखेंगे हम, ये जो आपने लिखा कि ये इससे पहले तक लिख लिया कि इसे क्या कहते हैं बाह्य संकरण कहते हैं, तो इस संकरण में नीचे लिखेंगे, इस संकरण में इस इधर लिख देता हूं मैं नीचे लिखेगा, इस संकरण में या इस संकरण से प्राप्त संतति में, प्राप्त संतति में, इस संकरण से प्राप्त संतति में सभी पौधे, सभी पौधे, सभी का मतलब 100%, सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं, लंबे प्राप्त होते हैं, जिनमें 50% समयुगुंजी, 50%
लंबे, जबकि बाकी 50%, जबकि बाकी 50% ऋषभ युग जी लंबे प्राप्त होते हैं। ऋषभ युग जी लंबे प्राप्त होते हैं जिनका जीव प्रारूप और लक्षण प्रारूप नीचे लिख लीजिएगा, यहां लिख लिया आप जिनका लक्षण प्रारूप। अभी मैंने आपको बताया लक्षण प्रारूप का मतलब होता है किसी भी पौधे की या किसी भी सजीव की बाह्य प्रकृति को क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। तो इसका लक्षण प्रारूप क्या हो जाएगा, 100% कैसे हैं लंबे पौधे, तो सभी लंबे हैं, तो आप क्या लिखेंगे 100% लंबे पौधे 100% लंबे पौधे। और जीन प्रारूप में 50% तो आ जाएगा, 50% तो आ जाएगा समयुग्मजी लंबे, अनुपात 50% क्या हो जाएगा विषम युग्मजी लंबे। इसको करेंगे अपन 2:2 या 1:1, ये आ जाता है आपका इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात। इस प्रकार से हम बाह्य संकरण को कंप्लीट करेंगे। ये आपका बाह्य संकर संकरण हो गया। आप पूरे ध्यान दें, बाह्य संकर संकरण में क्या होगा, ये संकर पूर्व संकरण का पहला टॉपिक है, ये पहला भाग है, पहला प्रकार है जिसमें रैपन पीढ़ी की संतति का क्रॉस या संकरण हमें किसके साथ करवाना है, प्रभावी जनक के साथ। ये विषम युग्मजी होते हैं, रैपन पीढ़ी की जो संतति होती है वो विषम युग्मजी होती है, जबकि प्रभावी जनक कैपिटल डी समयुग्मजी लंबे पौधे होते हैं। इनके मध्य जब क्रॉस होता है तो क्रॉस कराने के बाद अगली जो संतति प्राप्त होती है उस संतति में 50% तो हमें समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि 50% विषमयुग्मजी पौधे प्राप्त होते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं इनका हमें लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप निकालना होता है। तो आप ध्यान दें, आप सभी जानते हैं लक्षण प्रारूप आपने पढ़ा, तो मैंने आपको पढ़ाते समय वहीं बताया था कि किसी भी सजीव की जो बाह्य प्रकृति होती है उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो बेटा आप यहाँ ध्यान दें, ये समयुग्मजी लंबे हैं और ये विषमयुग्मजी लंबे हैं, अर्थात सभी पौधे जिन चारों के चारों जो संततियां प्राप्त हुई है चारों क्या कहलाती है, लंबे हैं। तो 100% हो गए, उस लक्षण प्रारूप में हमको क्या लिखना है, 100% लंबे पौधे। लेकिन अब आप ध्यान दें, ये जीन प्रारूप की बात कर रहा है। जीन प्रारूप होता है किसी भी सजीव की आनुवांशिक रचना, किसी भी सजीव की आनुवांशिक रचना। तो यहाँ आनुवांशिक रचना में मैं बात करूं तो इन दोनों ही संततियों में कैपिटल डी है, यानी ये दोनों तो एक जैसे आनुवांशिक रचना रख रहे हैं, जबकि ये दोनों एक जैसे आनुवांशिक रचना रखते हैं। तो 50% तो समयुग्मजी लंबे हो जाते हैं, कहा जीन प्रारूप का 50% क्या हो जाते हैं, विषमयुग्मजी लंबे हो जाते हैं। इस प्रकार से 50% समयुग्मजी लंबे, अनुपात 50% विषमयुग्मजी लंबे। इस प्रकार से 2:2 और इसका सरल अनुपात हो जाता है 1:1। इस प्रकार से ये आपका बाह्य संकरण जो संकर पूर्व संकरण का पहला भाग था संपूर्ण हुआ। इससे जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है परीक्षण संकरण। क्या पढ़ेंगे अब हम, परीक्षण संकरण। देखिए परीक्षण संकरण इसका दूसरा भाग है, परीक्षण संकरण
प्रिय विद्यार्थियों, बाह्य संकरण संकरण में आपने पढ़ा या बाह्य जो संकरण था उसमें आपने देखा F1 पीढ़ी की जो संतति है यानी कि स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस हमने कैपिटल टी इनकी प्रभावी जनक के साथ करवा दिया। लेकिन परीक्षण संकरण के अंतर्गत कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, F1 पीढ़ी की संतति है, इसका क्रॉस करवाना है हमें, वो करवाना है स्मॉल टी यानी ए प्रभावी जनक के साथ। यानी कि ऐसा संकरण या ये कहेगा इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप का क्रॉस या संकरण उसके ए प्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है तो ऐसा संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? परीक्षण संकरण कहलाएगा। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेंगे हम, F1 पीढ़ी के पादप का संकरण F प्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है। F प्रभावी जनक स्मॉल टी के साथ करवाया जाता है तो ऐसा संकरण परीक्षण संकरण कहलाता है। उन्हें ध्यान दें, इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के पादप का संकरण कहां करवा रहे हैं, किसके साथ करवा रहे हैं, F प्रभावी जनक कौन सा है आपका, स्मॉल टी के साथ करवाते हैं तो क्या कहलाएगा आपका, परीक्षण संकरण कहलाएगा। इसका जो उदाहरण है आपको नेक्स्ट क्लास में समझाया जाएगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।